ये देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी आज बिना दूध की बनाएंगे दूध की चाय। देखिए इसमें ना हमने दूध यूज़ किया हुआ है और ना ही दूध पाउडर यूज़ किया हुआ है, मगर देखकर स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। जो कि ना आप जो डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा जानकारी वाली है। अब आप कहेंगे कि इसमें दूध तो यूज़ किया है, फिर भी कह रहे हैं दूध पाउडर या दूध नहीं यूज़ किया, तो लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हमने क्या इसमें यूज़ किया है, दूध पाउडर या फिर दूध बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी चाय बन करके तैयार हुई। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज तक आपने पीनट से पनीर बनते हुए देखा होगा, ठीक है, और भी प्रोडक्ट बनते हुए देखे होंगे, मगर आज आप देखिएगा पीनट से हम चाय कैसे बनाते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी, जिसमें दूध की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक बाउल ले लिया हमने पीनट, इसको हमने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। आप अगर ओवरनाइट भिगोना भूल जाते हैं या इमरजेंसी में ज़रूरत है तो आप गर्म पानी में 2 घंटे के लिए इसको भिगो दीजिए, बस फिर आगे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने भिगो के दिया था और भिगो के ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना करके। इस समय गाइस बारिश का सीज़न है, तो हर जगह पर ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत पानी बरस जाता है या बादल आ जाते हैं तो लाइट गोल हो जाती है, लाइट नहीं आती है, तो उसमें क्या करना है, इसीलिए हमने पहले से ही पीस के रख लिया है, आप ये देख सकते हैं। तो आप हम क्या करेंगे, इस बड़े बर्तन में निकाल करके रख लेंगे पीनट को, और अब इसमें हम 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अगर देखा जाए तो लगभग लगभग हमने यूज़ किया हुआ है 3 पाव पानी, यानी एक केजी से थोड़ा सा कम पानी, ठीक है, तो इसको हमने यूज़ कर लिया है। अब इसमें देखिए 2 ग्लास हमने ऐड कर दिया था, मगर 1 ग्लास से हम जो मिक्सी के जार में जिसमें हमने पीनट पीसी हुई थी उसको हम हल्का सा वॉश कर लेंगे, क्योंकि पीनट उसमें भी बहुत होती है, ये देखिए इस तरह से। तो क्या करेंगे, इसको हमने वॉश कर लिया, तो सारा पानी यानी 3 ग्लास पानी, आप ग्लास से ही माप कर लीजिए कि हमने एक बाउल मूंगफली ली थी, पीनट लिया था, भिगो दिया था, और 3 ग्लास पानी लिया है, यानी तिहाई भाग मूंगफली का तिहाई भाग हमने पानी लिया है। तो देखिए ये हो गया है, और इसको स्पून से हिलाते हुए इसकी गुठलियाँ वगैरह तोड़ देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस तरह से एक कपड़ा ले लेंगे आप, कॉटन का या फिर मलमल का या फिर सिंपल सा दुपट्टा ही क्यों ना हो, साड़ी का दुपट्टा या साड़ी का कपड़ा, बस उसको अच्छे से वॉश कर लें, साफ़ कर लें और फिर ले लें, क्योंकि इसमें आप गर्म तो कोई चीज़ है नहीं, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसमें बांध देंगे गांठ एक, जिसकी वजह से ये कपड़ा अपनी जगह से हटेगा नहीं, जैसा हमें चाहिए बस वैसे ही मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से, तो क्या करेंगे, इसको हल्के हाथों से डालेंगे जैसे कि अच्छे से आराम से छन जाए हमारा सारा। तो देखिए कितने आसानी से छन रहा है हमारा, तो छान लेंगे तो जो वेस्ट बचेगा इसमें, जो पीनट्स का वेस्ट बच जाएगा, फाइबर होगा वो, तो उसको हम आगे यूज़ करेंगे, उससे सब्जी है, हलवा है, ये चीज़ें बन जाएंगी, आराम से बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम छान लेंगे, उसकी वीडियो अगली आगे आती रहेगी, बनाएंगे आगे तब दिखाएंगे आपको, खीर बना सकते हैं आप पीनट की। तो ये देखिए इस तरह से बन गया है, बस यहीं तक अभी आप छोड़ कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे भी हम आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है, क्योंकि अगर यहीं से छोड़ देंगे ना वीडियो तो वीडियो पूरी नहीं होगी, तो आपका जो दूध बना है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से प्रेशर देते हुए जितना आप निचोड़ पाए उतना निचोड़ लें दूध को, और जो वेस्ट पार्ट बचा है उसको रख देंगे। तो ये देखिए ये वेस्ट बचा है, ये फाइबर वगैरह है इसमें ज़्यादातर, तो इसका हम हलवा है, बर्फ़ी है, ये सब चीज़ें बना सकते हैं, इसको रख दें तो ड्राई करके रख दें, तो इसको आप ड्राई फ्रूट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दूध को देख लेते हैं क्या करना है। तो ये देखिए दूध हमने अपनी फ्लेम पर चढ़ा दिया है, और जैसे दूध को हम चलाते हुए पकाते हैं बस उसी तरह से इसको हमें पकाना है। तो इसकी कोटिंग देखिए कि दूध की कि स्पैचुला में कितनी अच्छे से परत जम रही है एक दूध की, तो अच्छे से इसको चलाते हुए बॉयल कर लेना है। तो इसमें देखिए गाइस अभी बॉयल आने लगा है, तो उसको 1 मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे, और इसमें एक ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे बिल्कुल दूध का टेस्ट आएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं ये हमने 1 स्पून ले लिया है, ठीक है, 1 स्पून चीनी ले ली है, इसको हमने मेल्ट कर दिया है शुगर, तो ये इसमें जो चीनी की वजह से हल्का सा मिठास आ जाएगी, जो दूध में होती है, जिस तरह से दूध में होती है वो मिठास आ जाएगी, और उसको हम 1 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए बॉयल हो गया, बना लिया है, तो बनाते हैं अपनी चाय। तो हम 1 कप से थोड़ा सा कम ही बनाएंगे, क्योंकि
ये इस समय दोपहर का टाइम है तो दोपहर वगैरह में चाय वगैरह नहीं पीते हैं, बस आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं चीनी, चाय पत्ती, अदरक, अपने जैसे चाय बनाते हैं सिंपल वैसे ही हम बना लेंगे। अगर आपको इलायची अच्छी लगती है तो आप चाय में इलायची भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से चाय बॉयल्ड हो चुकी है खूब, तो दूध ले लिया है वही पीनट वाला, अब इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी चाय बन करके तैयार होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपने ये बिना दूध की चाय बनाई है। तो आप देख सकते हैं हम तो हमारे घर में तो हमने बना कर दी जब, तो वो तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर रहे थे कि इसमें हमने दूध नहीं ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं ये चाय बनकर तैयार है, तो इसको हम करते हैं सर्व या छान लेते हैं अलग कप में। तो ये देख सकते हैं छानने पे कहीं कोई बता सकता है कि ये दूध की चाय नहीं है? पीने पे थोड़ा सा पीनट का स्वाद आता है, मगर वैसे देखने पर कोई नहीं बता सकता कि ये बिना दूध की चाय है। तो इतनी टेस्टी, यम्मी, हेल्दी, प्रोटीन रिच चाय पीने के लिए आप ये ट्रिक बहुत अच्छे से आजमाएं, क्योंकि सच में बहुत टेस्टी और बहुत यूनिक सी रेसिपी है। और अगर आप यहाँ दूध नहीं, आप फैट वाला पीते हैं ठीक है, तो आप इस तरह से दूध बनाकर रख लें, तो आप पूरा दिन इस दूध को चाय में चला सकते हैं, या इससे खीर वगैरह बनाएं तो वो भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हैं चाय तो इतनी अच्छी है कि सच में हमारा एकदम मन कर गया पीने का। तो हाफ़ चाय हम पियेंगे और हाफ हमारे हस्बैंड पी लेंगे, या कोई भी पी लेगा जिसको भी पीना होगा। तो अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज़ अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।